हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सरण कुमार, आप देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ टेक। दोस्तों, रियलमी वन काफी पॉपुलर स्मार्टफोन रहा, काफी अच्छे प्राइस में, काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन आप लोगों को प्रोवाइड किए। तो तभी से यहाँ पर जो भी लोगों ने शिकायत की थी कि भाई आपको डुअल कैमरा मिलना चाहिए और जो यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी नहीं था रियलमी वन में, तो यहाँ पर काफी जल्दी जो है रियलमी लेकर आ गया रियलमी टू। लेकिन आज जो रियलमी टू आया है, मतलब कुछ भी नहीं है, जो ओप्पो का A5 था वही यहाँ पर रियलमी 2 के नाम से लॉन्च कर दिया गया है। और मेरे हिसाब से तो ये अपग्रेड नहीं है रियलमी 1 का, ये बिल्कुल डाउनग्रेड है यहाँ पर। तो आज के इस वीडियो हम रियलमी 2 के बारे में ही बात करने वाले हैं कि क्या कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस हैं और कितना इसका प्राइस रखा गया है। सारी डिटेल आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए और जो साइड में घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ओप्पो का रियलमी 1 काफी अच्छा स्मार्टफोन था और पर्सनली मुझे काफी पसंद आया था ओप्पो का रियलमी 1। चाहे उसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप हो ना हो, फिर भी उसका जो कैमरा क्वालिटी थी वो काफी अच्छी मुझे लगी थी और सब कुछ उसमें ठीक ठाक था। लेकिन फिलहाल लॉन्च किया गया रियलमी 2, तो रियलमी 2 में वो कमी यहाँ पर पूरी की गई है। ऐसा उनके द्वारा बताया गया कि आपको जो है यहाँ पर 10,000 के अंदर नॉच दिया गया है। पता नहीं आप नॉच का करोगे क्या, कि मतलब उन्होंने इतनी जल्दी यहाँ पर की रियलमी 1 का अपग्रेड लाने में कि रियलमी 2 को लॉन्च कर दिया और जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो मुझे तो पर्सनली पसंद नहीं आए हैं। वैसे आपका जो भी ओपिनियन, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया वो 6.2 इंच का एक HD+ डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया, यानी कि आपको यहाँ पर जो है जो रियलमी 1 था वहां पर आपको फुल HD+ डिस्प्ले मिलता था, लेकिन यहाँ पर आपको एक HD रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलेगा जिसमें आपको जो है नॉच प्रोवाइड किया गया 19:9 रेशो वाला यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलेगा और जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो है यहाँ पर वो 88.8% बताया जा रहा है। इस बार आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन भी दी गई, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सा यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास मिलने वाला है। बात करें यहाँ पर रैम की, तो आपको यहाँ पर दो वेरिएंट देखने को मिलेगा। जो पहला वेरिएंट होगा वो 3GB रैम वेरिएंट होगा जिसमें आपको 32GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, जबकि दूसरा वेरिएंट होने वाला है यहाँ पर 4GB रैम वेरिएंट जिसमें आपको जो 64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। इस बार जो 6GB रैम वेरिएंट वो यहाँ पर जो है लॉन्च नहीं किया गया, जिस तरह से रियलमी 1 में आपको 6GB रैम वेरिएंट भी फिलहाल देखने को मिल रहा है। बात करें यहाँ पर प्रोसेसर की, तो काफी ज्यादा लोग जो है यहाँ पर काफी अच्छा प्रोसेसर जो है सोच रहे थे कि इसमें आपको काफी अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर आपको हीलियो P60 मिलता था जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर था। लेकिन इस बार आपको रियलमी 2 में मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450, यानी कि आपको हीलियो P60 से काफी जो है डाउनग्रेड प्रोसेसर यहाँ पर मिलने वाला है। कैमरे की बात करें तो आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप इस बार दे दिया गया है, तो काफी खुशी की बात है आप लोगों के लिए। लेकिन जो यहाँ पर सेकेंडरी कैमरा है वो केवल 2 मेगापिक्सल का रखा गया, यानी कि 13+ में 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। फ्रंट में वही यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिलेगा। जो बैटरी है वो यहाँ पर अपग्रेड की गई है, 4230 mAh की बैटरी फिलहाल आपको इसमें प्रोवाइड की गई है। तो ये है कुछ स्पेसिफिकेशंस रियलमी 2 के। दोस्तों, कीमत की बात करें तो सेम वही प्राइस रखा गया है जो रियलमी 1 का था। जो यहाँ पर 3GB रैम वेरिएंट होगा वो आपको 8,990 रुपए में मिलेगा, जबकि जो 4GB रैम वेरिएंट होने वाला है वो आपको मिलेगा 10,990 रुपए में, और ये आपके अवेलेबल होंगे फ्लिपकार्ट पर 4 सितंबर से। लेकिन यहाँ पर जो ब्लू कलर वाला वेरिएंट होगा वो आपको जो है अक्टूबर में अवेलेबल कराया जाएगा। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से जो रियलमी 2 है वो बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं है रियलमी 1 का। तो यहाँ पर अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से रियलमी 1 भी काफी अच्छा है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो रियलमी 1 की परफॉर्मेंस यहाँ पर रियलमी 2 से काफी अच्छी रहने वाली है। तो आपका जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।